apple delight. भाई डिलाइट किस चीज़ को कहते हैं, जिस चीज़ से खुशी मिले और खुशी के साथ में अगर सेहत भी मिल जाए उससे बढ़िया क्या चीज़ हो सकती है। वैसे सेहत वाली जो खुशी है उससे बढ़िया कोई खुशी हो नहीं सकती है। सेहत बढ़ाने का काम शुरू करते हैं और ये काम शुरू करेंगे एक एप्पल की डिश के साथ में। और ये जो एप्पल की डिश है ये बड़ी कमाल की है, मतलब एक क्रम्बल टाइप है और बड़ा सिंपल है, बेक डिश है गर्मा गर्म। जो ये लाल कलर का वॉशिंगटन एप्पल मेरे पास में है एकदम बढ़िया, और ऐसे ही हरा भी, वाह, एक तो ऐसे बढ़िया रंग जो है, इसका टेस्ट थोड़ा खट्टा मीठा है, इसका मीठा और मीठा है, तो ये डिश में दोनों को कंबाइन करेंगे और बहुत ही बढ़िया एक बेक्ड डिश बनाएंगे। तो जो वॉशिंगटन एप्पल है उसके अंदर कैसे हेल्दी क्यों होता है, सेहत कैसे अच्छी होती है, इसके अंदर बहुत ही बढ़िया क्वांटिटी होती है फाइबर की। फाइबर सुन सुन के, हाँ, सबको पता है कि फाइबर खूब खाना चाहिए, डाइजेशन में हेल्प करता है, वेट लॉस में भी हेल्प कर सकता है अगर फाइबर अच्छा हो। और करीब एक मीडियम साइज़ वॉशिंगटन एप्पल में 5 ग्राम फाइबर होता है। मोस्ट सीरियल जो होते हैं ना, ब्रेकफास्ट सीरियल, उससे भी ज़्यादा हो सकता है इसके अंदर। तो चलिए, फाइबर की बात की है, सेहत की बात की है, तो ये मेरे पास में ओट्स, तो ओट्स ले लेते हैं, और ओट्स के साथ में इसमें हम लेते हैं मैदा। तो ओट्स और मैदा ले लिया। एक काम करते हैं, ये मेरे पास में है मक्खन, ये मक्खन ले लिया, और मक्खन के साथ में अब इन सब चीज़ों को ज़रा मिक्स करते हैं, ये एकदम ज़रा ब्रेड क्रम कंसिस्टेंसी इसकी आ जाएगी। और फिर ये मक्खन जब इसमें मिक्स होता है तो इससे जब बेक होगा ये, तो एकदम खस्ता टेक्सचर आएगा, एकदम शॉर्ट टेक्सचर आएगा, और मक्खन जो है थोड़ा ठंडा होगा तो बढ़िया रहेगा। और अवन को गर्म करना है, इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पे। ये देखिए कैसे इसका टेक्सचर चेंज हो गया, और इसके साथ साथ ये इसके अंदर ये चीनी ले ली, और फिर ये हमारे पास में वॉलनट्स, अखरोट, ज़रा नटी टेस्ट देने के लिए इसमें, और इसको कर दिया मिक्स। क्या बढ़िया लग रहा है ना ये। अब ये तो हो गया तैयार, और एक काम करते हैं, इसको रख देते हैं थोड़ा चिल करने के लिए। वाह, वैसे आजकल के मैंने देखा है कि हम लोग जब बात करते थे अपने पेरेंट्स के साथ में तो बड़े आदर के साथ में बात करते थे, आजकल बच्चे हैं जब उनको कुछ हम समझाने की बात करते हैं कहते हैं जस्ट चिल डैड। तो ये इसको जो है ना जस्ट चिल करना है थोड़ी देर तक फ्रिज के अंदर। अब बारी आती है हमारे ये सेब की, तो सेब को ये वॉशिंगटन एप्पल ये लेकर इसको काट लेते हैं, और ये बीच में से इसके बीज ये निकाल लेते हैं। आपने कुछ स्नैक बनाना है, उससे बढ़िया अगर सेब को खा लिया जाए तो इससे बढ़िया स्नैक नहीं हो सकता, राइट? तो ये लेकर इसके अब पीसेस, तो ये ले लिया सेब, और उसके साथ साथ थोड़ा सा शहद इसके अंदर में डालता हूँ इसे हल्का सा मीठा करने के लिए, क्योंकि जो ओट्स और मैदा है उसमें हमने चीनी जो है वो डाली है, लेकिन थोड़ी और चीनी चाहिए, और ये बढ़िया से टेस्ट एकदम अलग इसका देने के लिए इसके अंदर ये जो सेब हैं हमारे पास, ये जो सेब की वैरायटी है ये भी वॉशिंगटन से है, और ये जो सेब है हरे वाला ग्रैनी स्मिथ, तो ये ले लिया, और ये भी इसके अंदर सेब, और सेब जो है ये लेकर इसमें जो हमने शहद डाली थी वो शहद मिक्स कर लेते हैं। नाइस, अब एक काम किया जाए, जो अंदर मिक्सचर रखा है ठंडा होने के लिए, चिल करने के लिए, ये ले लेते हैं, और ये बढ़िया से मिक्सचर हमारा तैयार। और इसमें एक काम करते हैं, ये जो है
ये करीब 1.5 चम्मच, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा इसको इस तरह से इसे कोट कर दिया हमने। और फिर एक चीज़ करते हैं, ये मेरे पास है बहुत ही बढ़िया खुशबूदार चीज़। देखिए सेब में जो खुशबू बहुत अच्छी चलती है वो ज़्यादातर तो होती है सिनेमन की, लेकिन ये गुलाब जो है, हाँ ये है गुलाब, नेचुरल फूल गुलाब के, जिसको हल्का सा हमने अवन के अंदर ड्राई किया है, आप सन ड्राई भी कर सकते हैं। तो ये सूखे हुए पत्ते हैं, ये लग रहे हैं फ्रेश लेकिन हैं सूखे, आवाज़ आ रही ना, बिल्कुल। तो ये सूखे हुए पत्ते, हाँ हाँ हाँ, नाइस, ये क्रश करके इसके अंदर और फिर मिक्स कर देते हैं। तो अब इसमें गुलाब की खुशबू असली वाली ये ले ली, ये गुलाब एकदम बढ़िया, सेब और गुलाब का कॉम्बिनेशन ये भी बड़ा ज़बरदस्त। और फिर ये बेक करने के लिए हमारे पास, और इसके अंदर ये सेब, इसमें ये हमारे पास मिक्सचर, ओट्स, मैदा, चीनी, मक्खन और वॉलनट्स। जो सेब का मॉइस्चर है वो खूब सारा होता है, तो जैसे जैसे ये बेक होगा तो सेब पकेगा, उसका मॉइस्चर छूटेगा और ये जो ऊपर का क्रस्ट है ये पकना शुरू होगा, मक्खन के साथ में क्रिस्प होना शुरू होगा, नीचे से मॉइस्ट, ऊपर से खस्ता क्रिस्प। जी हाँ, यही इस डिश की खासियत है। और ये जो कॉम्बिनेशन है, ये घर में कोई आ रहा हो, चाय की पार्टी हो उस समय से बनाना हो, डिनर के बाद खाना हो, सुबह नाश्ते में खाना हो, कभी भी खाना हो, ये बड़े आराम से बन सकता है बहुत आसानी से। और इसमें जो स्किल है बहुत कम, यानी ईजी रेसिपी है, लेकिन ईजी का मतलब ये नहीं होता कि ईजी रेसिपी को अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट होगी, क्योंकि इसके अंदर जो गुलाब का टेस्ट है सेब के साथ में, हल्का सा खट्टा, हल्का मीठा, खुशबूदार, नाइस मॉइस्ट मीठा, ऊपर से क्रिस्प नटी, खाइएगा गर्मा गर्म, ऐसे भी खा सकते हैं, वनीला आइसक्रीम के साथ भी खा सकते हैं, अवन में डालते हैं 180 डिग्री सेल्सियस पे इसको रखना है हमने, आधे घंटे तक भूल जाइए, उसके बाद एक नज़र मार लीजिए, देखिए सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है नहीं चल रहा है, और 5-10 मिनट और लगेंगे, उसके बाद में गर्मा गर्म ये आपको एप्पल का जो कमाल है वो दिखेगा, सेहत भी खुश, स्वाद भी खुश, और फिर आप कहेंगे वाह यादाश्त भी अच्छी हो गई। हाँ, वॉशिंगटन एप्पल की एक ये भी खासियत होती है, दिमाग के जो सारे पुर्जे हैं ना वो भी बढ़िया कर देता है, हार्ट के भी, दिमाग के भी, स्वाद के भी, सब कुछ, खाइए ना। एप्पल एंड वॉलनट क्रिस्प्स, अवन को 180 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें, एक बोल में ओट्स डालें, उसमें डालें मैदा और मक्खन और तब तक मिलाएं जब तक वह मिश्रण ब्रेड क्रम्स जैसा दिखने में ना हो जाए। अब डालें कैस्टर शुगर और मिलाएं, फिर डालें अखरोट और अच्छे से मिलाकर फ्रिज में ठंडा होने रख दें। लाल एप्पल से बीज निकालें और बारीक काट कर एक बोल में डालें, उसमें डालें शहद, फिर हरे एप्पल से बीज निकालें और बारीक काट कर लाल एप्पल में अच्छे से मिला दें। अब इसमें डालें 1 बड़ा चम्मच ओट्स अखरोट का मिश्रण और मिलाएं, फिर डालें गुलाब की पंखुड़ियां और अच्छे से मिलाएं। अब एप्पल के मिश्रण को एक गोल ग्लास बेकिंग डिश में फैला दें और ऊपर से ओट्स अखरोट के मिश्रण को डालकर अच्छे से ढक दें। फिर इस डिश को पहले से गर्म किए हुए अवन में रखें और 30 मिनट तक बेक करें। अवन से निकालें और हल्का ठंडा करें, गुनगुना गर्म परोसें।